नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु की ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारत की प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट, हार्बर, पत्तन, जो भी आप कह सकते हैं, विभिन्न तरह के नामों से ये जाना जाता है। आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में मैप के थ्रू जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। आज हम यहाँ सबसे पहले 13 प्रमुख बड़े बंदरगाहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनसे रिलेटेड विभिन्न तरह के बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच बीच में मैं आपको बताऊंगी, जिन्हें आप नोट करते जाइएगा और याद रखिएगा। लास्ट में उनसे रिलेटेड मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछूंगी वीडियो के लास्ट में, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कुछ छोटे बंदरगाह जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सिलेक्टेड, उनके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में जान लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हमारे प्रमुख 13 बंदरगाह जानते हैं। मैं आपको बता दूं बंदरगाहों से रिलेटेड विभिन्न तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, या फिर कोई बंदरगाह का नाम आपको देकर यह प्राकृतिक है या कृत्रिम बंदरगाह है, या कौन सा बंदरगाह है जो सबसे बड़ा है हमारे यहाँ का, या फिर आपको कुछ बंदरगाहों के नाम और उनसे रिलेटेड राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे जोड़ी मिलान करने। इस तरह से विभिन्न तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बंदरगाह से पूछे जा सकते हैं। तो आइए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात में कौन सा बंदरगाह है। गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है उसका? कांडला बंदरगाह। गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला। मैं आपको बता दूं, ये जो कांडला बंदरगाह है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, कांडला बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, ज्वारीय बंदरगाह। एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि कांडला बंदरगाह का नया नाम अभी करंट में पंडित दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। ठीक है, तो हमने गुजरात में सबसे पहले पढ़ा कांडला बंदरगाह, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि कांडला बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है और इसका नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, ज्वारीय बंदरगाह। मैं आपको बता दूं सर्वाधिक आयात जिस जहां किया जाता है वह यह कांडला बंदरगाह है गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे स्टेट महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में जो बंदरगाह है उसका नाम है मुंबई पोर्ट। ठीक है दोस्तों, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में जो बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट, यह बंदरगाह एक जो है वह प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और मुंबई बंदरगाह पर ही सर्वाधिक व्यापार होता है हमारे यहाँ का, सर्वाधिक व्यापार मुंबई पोर्ट पर। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट देश का सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो मुंबई पोर्ट है वह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा मुंबई पोर्ट को ही हम भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्र में ही हमारा एक और जो बंदरगाह है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को ही नावा शेवा बंदरगाह कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में दूसरा नावा शेवा बंदरगाह, और इसे ही हम नावा शेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। मैं आपको बता दूं जवाहरलाल नेहरू या फिर नावा शेवा बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, महाराष्ट्र में कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे स्टेट गोवा की ओर। गोवा में, यहाँ छोटा सा जो हमारा गोवा है, गोवा में मरमू गोवा प्राकृतिक बंदरगाह पाया जाता है। ठीक है, मरमू गोवा, गोवा में जो है हमारा बंदरगाह उसका नाम क्या है? मरमू गोवा बंदरगाह, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, यह दूसरा हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यहाँ पर एक नौसैनिक अड्डा भी है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा हमारे यहाँ का मरमू गोवा, गोवा में प्राकृतिक बंदरगाह। नेक्स्ट आ जाइए कर्नाटक की ओर। कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है, कर्नाटक में जो बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर बंदरगाह।
कर्नाटक में हमारी बंदरगाह जो है वो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में भी एक प्राकृतिक बंदरगाह पाया जाता है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे नीचे केरल की तरफ, तो केरल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोचीन बंदरगाह। ठीक है, कोचीन बंदरगाह कहाँ पाया जाता है? कोचीन बंदरगाह है हमारा केरल में, यह भी एक हमारा प्राकृतिक बंदरगाह, कोचीन या कोची कह लीजिए आप, यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप आ जाइए यहाँ तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं, तो तमिलनाडु की ओर अगर हम आते हैं तो तमिलनाडु में जो बंदरगाह है उसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, तूतीकोरिन इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया है एक नए नाम में, बीओ चिदम्बरम बंदरगाह। सबसे पहले हम जानते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है, तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह है जिसका नाम बदल दिया गया है वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, वीओ चिदम्बरम तूतीकोरिन बंदरगाह इसका पुराना नाम है और वीओ चिदम्बरम इसे नया नाम दे दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाइए यहीं पर चेन्नई में जो बंदरगाह है, चेन्नई पोर्ट, ठीक है, चेन्नई पोर्ट, चेन्नई में बंदरगाह है चेन्नई पोर्ट, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, चेन्नई पोर्ट भी एक प्रमुख बंदरगाह है, चेन्नई पोर्ट जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई पोर्ट को आप मान लीजिए कि ये सबसे पुराना हमारे यहाँ का बंदरगाह माना जाता है, कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ही हमारा एक जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो हमें पढ़ना है, उसका नाम है एन्नोर बंदरगाह। इसको एक नया नाम दे दिया गया है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे यहाँ नाम बदलने की बड़ी प्रथा चली आ रही है, इसको भी एक नया नाम दे दिया गया है, कामराज बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह कामराज बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, एन्नोर बंदरगाह को क्या नाम दे दिया गया है? कामराज बंदरगाह। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर अगर, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह पाया जाता है। सभी ने नाम सुना होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो हमारा है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे बड़ा हमने जो पढ़ा था देश का वो मुंबई पोर्ट है हमारा, जहाँ सर्वाधिक व्यापार होता है, और सबसे गहरा बंदरगाह जो हमारा है वो कौन सा हो गया हमारा? विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में जो कि है। इसके बाद हम देख लेते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा में जो है पारादीप बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, उड़ीसा में कौन सा है दोस्तों? पारादीप, पारादीप बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, एक महत्वपूर्ण बड़ा बंदरगाह हमारे यहाँ का। उड़ीसा से अब हम पश्चिम बंगाल की ओर अगर बढ़ेंगे तो आप पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, इसका नाम है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट जो है वह एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में हमने कौन सा पढ़ लिया? कोलकाता पोर्ट, एक कृत्रिम बंदरगाह। इसके बाद हमारा लास्ट प्रमुख जो बड़ा एक बंदरगाह है वह है अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो यहाँ पर आपको पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो इस तरह से हमने हमारे यहाँ के प्रमुख 13 बंदरगाह जो हैं वो देख लिए हैं। एक एक करके फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, हम पूरे मैप में इनको देख लेते हैं और जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वह भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा गुजरात में हमारा एक कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जहाँ सर्वाधिक आयात होता है और यह ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम पंडित दीन दयाल बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में हमने सबसे पहले देखा मुंबई पोर्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का प्रवेश द्वार और सर्वाधिक व्यापार होता है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट। नेक्स्ट यहीं पर हमने एक और देखा जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू या नावा सेवा बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद हमने यहाँ गोवा में एक पढ़ा जो, तो गोवा में जो हमने देखा उसका नाम क्या था? मरमू गोवा। ठीक है दोस्तों, मरमू गोवा दूसरा हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कर्नाटक में जो हमने पढ़ा नेक्स्ट वह है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में हमने एक पढ़ा जो क्या नाम था जिसका? न्यू मैंगलोर बंदरगाह, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद हमने यहाँ केरल में एक देखा कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह।
कोचीन या कोची प्राकृतिक बंदरगाह। तमिलनाडु में हमने जो पढ़ा उसका नाम वीओ चिदंबरम नया नाम दिया गया है, जो कि तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से पहले जाना जाता था, तो तमिलनाडु में हमने देखा। फिर यहीं हमने चेन्नई में चेन्नई पोर्ट देखा और यहीं पर हमने एक और चेन्नई पोर्ट के पास में एन्नोर, जो कि नया नाम इसको क्या दिया गया है, कामराज बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, कामराज बंदरगाह। और फिर हमने आंध्र प्रदेश में एक पढ़ा, आंध्र प्रदेश में हमने कौन सा पढ़ा, विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, या नौसैनिक स्टेशन भी है एक। फिर हमने उड़ीसा में एक बंदरगाह पढ़ा, पारादीप प्राकृतिक बंदरगाह। और फिर हमने पश्चिम बंगाल में एक देखा हमारा कोलकाता बंदरगाह, जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। और हमने यहाँ पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में एक बंदरगाह देखा। इस तरह से हमने हमारे सारे कोस्टल एरियाज को कवर करते हुए हमारे सारे बंदरगाह 13 जो प्रमुख बंदरगाह थे वो हमने कवर किए। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दो मैं आपसे पूछूंगी, जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन बंदरगाहों के नाम याद हुए या नहीं हुए। सबसे बड़ा देश का कौन सा बंदरगाह है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर पाया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तूतीकोरिन पोर्ट जो कि तमिलनाडु में स्थित है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम हमारे कुछ प्रमुख छोटे बंदरगाह भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन से ये प्रमुख छोटे बंदरगाह हैं जो कि कुछ एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात में आपको छोटे छोटे 4 प्रमुख बंदरगाह देखने हैं। सबसे पहले एक जो है वो है मांडवी बंदरगाह। दूसरे नंबर पर एक और बंदरगाह जो है वो ओखा बंदरगाह यहाँ पर एक और है। थर्ड नंबर पर मैं आपको बता दूँ द्वारका बंदरगाह एक और गुजरात में है। ये सब छोटे छोटे बंदरगाह बड़े बंदरगाहों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं ताकि उनका लोड कम हो सके बड़े बंदरगाहों का। चौथा गुजरात में जो बंदरगाह है वह है भावनगर। इस तरह से 4 छोटे छोटे बंदरगाह हमने देखे, मांडवी, ओखा, द्वारका और भावनगर गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको एक छोटा बंदरगाह जो कि रत्नागिरी, इसके बारे में आप जान लीजिए। रत्नागिरी कहाँ है महाराष्ट्र में, छोटा बंदरगाह एक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, रत्नागिरी महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए आप कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कारवाड़ एक छोटा बंदरगाह पाया जाता है। नेक्स्ट केरल में आ जाएं अगर हम तो केरल में आपको मैं बता दूं 4 कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला कनानूर। ठीक है दोस्तों, कनानूर केरल में कनानूर। दूसरा देख लीजिए आप, दूसरे का नाम है कोची कोड। ठीक है, कनानूर और कोची कोड। थर्ड वन है जो केरल में उसका नाम है क्वीलोन। एक से दो बार आप वीडियो को स्टडी कर लीजिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बंदरगाह याद हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं केरल में जो एक और चौथा बंदरगाह है वह है अलेप्पी बंदरगाह। इसका नाम है चौथा बंदरगाह। तो केरल में हमने 4 छोटे छोटे बंदरगाह पढ़ लिए। तमिलनाडु में आ जाइए, तो तमिलनाडु में 3 यहाँ आपको पढ़ने हैं। एक तो हमारा टोंडी बंदरगाह यहाँ, दूसरा नागपट्टनम। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका, नागपट्टनम। आप बस जान लीजिए कि ये छोटे छोटे बंदरगाह कहाँ पाए जाते हैं, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। टोंडी बंदरगाह और नागपट्टनम। इसके बाद यहाँ पर ही एक कराई कलर बंदरगाह जो कि पांडिचेरी में, आपको पता है यहाँ पर पांडिचेरी बीच बीच में तमिलनाडु में स्थित है, तो यहाँ पर कौन सा बंदरगाह, कराई कलर बंदरगाह पांडिचेरी में है, कराई कलर। ठीक है दोस्तों, कराई कलर बंदरगाह पांडिचेरी में स्थित है। इसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश में एक और मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद और ऊपर बढ़ते हैं अगर हम तो छोटे बंदरगाहों में आपको कौन सा पढ़ना है, उड़ीसा में गोपालपुर बंदरगाह। ठीक है, मछलीपट्टनम के बाद उड़ीसा में आपको पढ़ना है
गोपालपुर उड़ीसा में बंदरगाह स्थित है छोटा, और यहाँ ऊपर की तरफ और बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल में हमारे जो एक और बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो हमने पश्चिम बंगाल में पढ़ा था उसकी सहायता के लिए लोड कम करने के लिए एक और हल्दिया बंदरगाह वहाँ पर डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने छोटे छोटे भी बंदरगाह काफ़ी कवर कर लिए हैं, जैसे कि चार हमने गुजरात में देखे, मांडवी, ओखा, द्वारका और भावनगर। महाराष्ट्र में हमने एक देखा रत्नागिरी, कर्नाटक में एक हमने देखा कारवाड़, केरल में हमने चार देखे कनानूर, कोचिकोड, क्विलोन और अलेप्पी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ तमिलनाडु में टोंडी और नागपट्टनम देखे, और हमने यहाँ पर पांडिचेरी में कराई कलर देखा, और आंध्र प्रदेश में हमने मछलीपट्टनम, और उड़ीसा में हमने गोपालपुर, और पश्चिम बंगाल में हमने हल्दिया। इस तरह से हमने कुछ छोटे छोटे बंदरगाह जो कि इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, कवर कर लिए हैं। इन सभी को आप याद रखिएगा, और मैंने जो क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे की है कि सबसे बड़ा बंदरगाह हमारे यहाँ का कौन सा है, तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में स्थित है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से मिलते हैं हमारे और भी कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।